अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? सब ठीक ठाक है इंशाल्लाह। सब अपने अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, चिकन मैक्रोनी सैलड की रेसिपी है। बड़ी ज़बरदस्त है, झटपट बनकर तैयार हो जाती है। बच्चे मैक्रोनीज भी शौक से खाते हैं, चिकन भी शौक से खाते हैं। गर्मियों में बेहतरीन है, आजकल बहुत गर्मी है, ठंडा ठंडा सैलड बहुत मज़ा देता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। एक कप मैक्रोनीज लिए, उसको पानी में नमक ऑयल डाल के बॉईल कर लिए। एक कप हमने चिकन लिए, चिकन को हमने बॉईल करके श्रेड कर लिए। हाफ कप हमने मेयोनीज लिए, हाफ कप हमने फ्रेश क्रीम लिए, हाफ कप हम कंडेंस मिल्क लेंगे, थोड़े से हम पाइनएप्पल लेंगे, थोड़े से अंगूर लेंगे, थोड़े से स्वीट कॉर्न है, छोटी शिमला मिर्च कुछ गोल टुकड़ों में काट लिए, थोड़े से हमने किशमिश ली है, बादाम लिए, हाफ टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून काली मिर्च है। एक हम बोल लेंगे, बोल में सबसे पहले चिकन डालेंगे। पाइनएप्पल, अंगूर, स्वीट कॉर्न और शिमला मिर्च ये मिक्स कर देंगे। मैक्रोनीज डालेंगे, मेयोनीज। पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, फिर हम इसमें क्रीम डालेंगे, कंडेंस मिल्क डालेंगे, नमक, काली मिर्च। इसको पहले हम मिक्स करेंगे, फिर हम इसमें बादाम और किशमिश डालेंगे। अब हम इसमें बादाम डालेंगे, साथ में किशमिश डालेंगे, फिर इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करके थोड़ी देर हम फ्रिज में रखेंगे, फिर हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। ये देखें जी, ये तैयार हो चुका है चिकन मैक्रोनी सैलड। जबरदस्त बना है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, फिर मुझे कमेंट्स करके बताएं कैसा बना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।